प्यारे छात्रों, रुक्मिणी संगल लिखित रचना पाठ जो राजस्थान की यात्रा उन्होंने की, राजस्थान की यात्रा करते समय उनकी पहली मंजिल वो देख चुकी थी, राजा उम्मेद सिंह द्वारा बनवाया गया उम्मेद भवन। लेकिन उसके बाद देखिएगा कि दूसरी जो मंजिल थी वह थी चट्टानों पर बना बहुत बड़ा दुर्ग। उस दुर्ग में आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान ये जो भूमि है पहले से ही वीरों की भूमि रही है। वहाँ के देवी देवताओं, वहाँ के बड़े बड़े किले, वहाँ के बड़े बड़े दुर्ग, इनका बहुत ही मार्मिक वर्णन इस पाठ में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि चट्टानों को काट काट कर अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई। उन मूर्तियों का भी निरीक्षण या दर्शन लेखिका श्री रुक्मिणी संगल जी करती हैं। उसके बाद जो मंडोर गार्डन था, मंडोर गार्डन का भी वह सूक्ष्म निरीक्षण करती हैं, मंडोर गार्डन की ओर भी जाती हैं। फिर जोधपुर शहर के 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना जो सबसे बड़ा दुर्ग है, मेहरानगढ़ किला उसका नाम है, तो मेहरानगढ़ किले की भी ओर वह बढ़ती हैं, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फुट से 120 फीट ऊंची दीवारों के परकोटे से घिरा है। इसका निर्माण जोधाजी राव जी ने 1959 में किया था। उस परकोटे में जगह जगह पर आप देखते हैं कि बुर्जियां बनाई गई हैं, और उन बुर्जियां भी बहुत ही सुंदर है। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार भी लगे हुए हैं, जैसे कि उन प्रवेश द्वारों के कुछ नाम हैं, जयपोल हैं, लोहपोल हैं, और फिर जयपोल लोहपोल के बाद फतेहपोल भी वहाँ पर बनाया गया है। जयपोल जैसे ही हम आते हैं, जयपोल आते आते हम किले के ऊपर आ जाते हैं और शहर बिल्कुल नीचे रह जाता है, और जैसे ही ऊपर से हम शहर को देखते हैं तो शहर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जोधपुर शहर बहुत सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि दोपहर की रेगिस्तानी धूप, शाम को चमकती चांदनी का चांदनी में शहर का भव्य मनोरम दृश्य भी बड़े ही मनभावन दिखाई देता है। प्रवेश द्वार पर जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों के द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में कुछ द्वार बनवाए गए हैं, जैसे द्वारों के दीवारों पर जोहर करने के वाली वीरांगनाओं के भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। फिर दुर्ग के अंदर कई भव्य विशाल भवन हैं, जैसे मोती महल है, फूल महल है, शीश महल है, दौलत खाना भी वहाँ पर है, फतेह महल है, और रानी सागर भी वहाँ पर है। कई बैठक खाने भी वहाँ पर बनवाए गए हैं, तो बैठक खाने के कुछ नाम यहाँ पर दीवाने खास हैं, दीवाने आम हैं, और कहीं कला की प्रदर्शनी, पेंटिंग्स एवं दरिया भी वहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। फिर लेखिका दूसरी ओर चल पड़ती हैं। धन्यवाद प्यारे छात्रों।